जय हिंद दोस्तों, देश का एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। चिरखैनी के रहने वाले 37 वर्षीय महेंद्र पार्थी और भारतीय सेना का जवान कल 22 मार्च का दोपहर 2 बजे अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। इसीलिए चिरखैनी शहीद तालुका के शोक फैल गई है। महेंद्र पार्थी का जन्म वर्ष 1985 में ग्राम चिरखैनी में हुआ था। शिक्षा चिरखैनी और तालुका स्थान तिरोदा में है। वह 2004 में एक कांस्टेबल के रूप में बेला गांव में मराठा केंद्र कर्नाटक में शामिल हुए थे। इस पद पर कार्यकाल कर्मचारियों को 24 साल तक सेवा करनी थी और उसके बाद सेवा निवृत्त हो जाती है। हालांकि महेंद्र पार्थी का सेवा निवृत्त में 8 वर्ष शेष बचा हुआ था। उनका पार्थिव शरीर 24 मार्च को गुरुवार को चिरखैनी पहुँचेगा। उसके बाद शाम 4 बजे आधिकारिक इटामा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि दोस्त, बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आई है। शहीद महेंद्र पार्थी का पिता भास्कर पार्थी को कुछ साल पहले निधन हो गया था। मदर रिपोर्टिंग पार्थी जिंदा है। भाई में 4 भाई बहनों थे और उन्होंने दूसरा स्थान पर थे। बेहद ही दुखद खबर है दोस्त, इनके 2 पुत्र हैं। और बता दें कि शहीद होने की खबर से पूरे चिरखैनी के ग्रामीणों सभी को दुख का लहर उमड़ पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जवान अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फबारी में शहीद हो गए। महेंद्र पार्थी, बता दें कि उन्होंने बर्फबारी से होने के कारण लापता हो गए और उनका कल पार्थिव शरीर मिला। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।